हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आगामी 15 अक्टूबर को दोपहर बाद बोर्ड परिसर में अलंकार समारोह आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश भर में प्रथम व द्वितीय आए छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करेंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बोर्ड अधिकारियों की बैठक ली तथा उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इस समारोह में प्रदेश भर के 300 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के DC व SP को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी परीक्षा में अहम भूमिका अदा करते हैं। जगबीर सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्राओं को कल्पना चावला वार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दोपहर बाद कार्यक्रम है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। इसमें हमने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और सभी जिलों के पुलिस कप्तान, उनको भी हम निमंत्रण देंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनका अहम रोल रहता है। और बोर्ड की जो हमारी कमेटी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डबल अकेडमिक अफेयर कमेटी है, और जो अनुनय समिति जो नियम बनाती है हमारे, ऐसे सब सदस्यों को भी हमने बोर्ड में इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देंगे। शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी भी उतर रहेंगे। माननीय देरा खंडेलवाल जी ने भी हमें अनुमति दे दी है कार्यक्रम आने की, और माननीय राजीव रतन जी वो भी कार्यक्रम में रहेंगे। लगभग 300 विद्यार्थी हैं और 25 स्कूल हैं जिनको इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। दसवीं क्लास में जो 2012 से लेकर के 2018 तक प्रथम और द्वितीय आने वाले विद्यार्थी हैं, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 300 है, और जो बेटी प्रत्येक वर्ष में 10वीं में 12वीं में जो फर्स्ट आई है, उसको कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम कहाँ होगा सर? कार्यक्रम बोर्ड परिसर में ही होगा।